press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया राय खान जी, जो कि बात करेंगी कि कैसे ममता बनर्जी ने ना सिर्फ रामायण, गीता, बाइबल बल्कि इस्लाम को भी बेइज्जत किया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आप इसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दफा फिर हम एक्सपोज करने जा रहे हैं कि भारत के जो सो कॉल्ड जो कहते हैं कि जी हम मुसलमानों के लीडर हैं, उनको हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। देखें, हमारे पाकिस्तान और भारत के जो मुसलमान हैं, उनके लिए मसाजिद की भी बहुत इज्जत और तकरीम है, और उसके साथ साथ कुरान पाक की भी हम बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। लेकिन ये जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर बोलते हैं, इनकी नज़र में ना तो मस्जिद की अहमियत है और ना ही बदकिस्मती के साथ कुरान की कोई इनकी नज़र में अहमियत है। तो आज हम इनका जो असल चेहरा है, असल रुख है, वो अपने जो देखने वाले हैं उनके सामने रखेंगे और आपसे जानेंगे ये क्या वजह है कि ये इनका जो रवैया है अवाम के सामने कुछ और होता है, लेकिन इनके अंदर की जो खवासत है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब सामने आ जाती हैं तो फिर भी मुसलमानों की तरफ से इन लोगों को क्यों नहीं इनकी मजम्मत की जाती, क्यों नहीं इनके चेहरे के ऊपर जो नकाब है उसको उतारा जाता। पहले तो आपकी इजाज़त से मैं कुछ वीडियोज हैं वो दिखाऊंगा, फिर आपसे इसके बारे में राय लूंगा। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसमें आप देखिएगा कि ममता बनर्जी जो अपने आप को कभी वो नमाज पढ़ती हुई आपने देखा होगा, कभी वो कुछ इस तरह करती हैं, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर कुरान पाक के साथ साथ दीगर जो किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, जो एक जिनकी बड़ी इज्जत और एहतराम होनी चाहिए, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये ज़रा सुनिए। উন্নয়নে অনেকে গিয়ে বাংলা, উন্নয়নে কেউ পারবে না, পৃথিবীর সেরা বাংলা, বিশ্ব বাংলা। আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। আগে এক লক্ষের উপর রাস্তা। দেখে আপনি শুন লিয়া ইয়ে বাংলা কে আন্দর উন্হোনে জো বাত কি হ্যায়, আব ইসকে উপর এক জো आलिम है उनका क्या कहना है वो भी। हफ्ते तकरीर करते हुए कहा, नऊज़ बिल्ला, और भी धर्मों का नाम लिया उसने, मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूँ, उसने अलग अलग धार्मिक किताबों का नाम लेते हुए ये भी कहा, फिर कहा कि कुरान शरीफ और जो मुसलमानों की किताब है, उसने कहा नऊज़ बिल्ला ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने स्कीमें चलाई हैं लोगों के लिए ये खत्म नहीं होंगी। मतलब उदाहरण देखिए आप, एक मुख्यमंत्री की उदाहरण देखिए कि वो ये कह रही है कि कुरान पाक और बाकी मजहबों का भी उसने नाम लिया कि वो तो खत्म हो सकते हैं, मेरी चलाई हुई स्कीमें खत्म नहीं हो सकती। तो मैं दीदी को कहना चाहूंगा, दीदी जमीन पे नीचे देख के चलना सीखें, गुफ्तगू के दौरान भी अपने अंदर आजजी पैदा करें, अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा नाज़िया बहन, आपने ये तो सुन लिया, अब इसके ऊपर पहले बात कर लें या फिर मैं आपको आपके जो मोस्ट फेवरेट हैं अवैसी जी उनके बारे में भी एक वीडियो है वो भी दिखा दूं? नहीं, मैं पहले इसके ऊपर बात कर लेती हूँ। उन्होंने बंगाली में कहा है कि जितनी स्कीमें वो चला रही हैं और उन स्कीमों के तहत से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जितनी तरक्की कर रहा है, अगर उन्होंने उसकी कहानी स्टार्ट करना शुरू किया तो रामायण, महाभारत, बाइबल और अल कुरान नाउज़ु बिल्ला वो खत्म हो जाएगा। और आलिम साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी गुफ्तगू के वक्त में और अपनी भड़काऊ भाषण के वक्त में हर नेताओं को, हर पार्टी के नेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कोई भी हो, उनको जमीन देख करके अपनी अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैं मुजफ्फर भाई आपको ये बताना चाहूंगी कि श्रीमती ममता बनर्जी ने कोई पहली बार इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया है या अल कुरान के खिलाफ उन्होंने इतनी अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया है।
उन्होंने पिछले 12 साल में 2011 में उनकी सरकार आई थी और वो गद्दी नशी हुई थी, और उसके बाद से उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के दिल में एक भ्रम और दिमाग में एक चूरन भर दिया कि वो मुसलमानों की बहुत बड़ी मसीहा है। अब क्योंकि मुसलमानों ने कभी अलकुरान मायने के साथ पढ़ा है नहीं, कभी भी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे पूरे सुन्नत रसूल को समझा है नहीं, जाना है नहीं। अगर आप गाहे बगाहे पश्चिम बंगाल के या भारत के किसी मुसलमान से खड़े होकर के रास्ते में ये तक पूछ लीजिएगा ना कि सुन्नत रसूल में क्या क्या आता है, तो चार शादी के अलावा वो कुछ और नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जैसे श्रीमती ममता बनर्जी पेट भर करके बिना वजू के वो अफ्तार में चली जाती हैं और इफ्तार की बेहुरमती करती हैं, इफ्तार के पहले वो मीडिया को दिखाने के लिए ब्लू करके कुछ मुंह हिलाती हैं, लेकिन वो इफ्तार से पहले की जो दुआ होती है वो बिल्कुल भी, क्योंकि वो लिप जो उनका हिलता है उससे वो समझ में आता है कि वो दुआ नहीं पढ़ रही है, वो कैमरा को दिखा रही है कि वो कुछ पढ़ रही है। द थर्ड थिंग इज के एक्सेप्ट COVID-19 वो 2011 से लेकर के 2024 तक में उन्होंने हमेशा लाखों मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज में शिरकत की है। अच्छा, ईद की नमाज में एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते अगर वो शिरकत कर रही है और अच्छी बातें बोल रही है तब भी मुझे आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो वहां पर जाकर के पॉलिटिकल स्पीच देती है, वो हेटरेट स्पीच देती है, वो भारत के प्रधानमंत्री को डिफेम और मलाइन करती है, वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज जैसे CBI है, ED है, NIA है, NSG है, उसको वो गालियां परोसती है, वो पश्चिम बंगाल के लाखों मर्दों को वो भारत के खिलाफ भड़काती हैं, वो भारत के सिविलाइजेशन के खिलाफ भड़काती हैं। इसके अलावा उन्होंने गाहे बगाहे इतने बड़े बड़े मतलब इस्लाम के मुखालफत में काम किए हैं, जैसे 2023 के 21 जुलाई शहीद दिवस वो मनाती हैं, यहाँ पर यही मेरी ऑफिस से 10 मिनट का रास्ता है वहां पर मनाती हैं, और वहां पर उन्होंने एक हिंदू से तबला सारंगी और ऑर्केस्ट्रा के साथ उन्होंने अजान दिलवाया था एक हिंदू से, और अजान वो अजान नहीं था जैसे सिंगर जो गाना गाते हैं ना म्यूजिक के साथ ऑर्केस्ट्रा तबला सारंगी बांसुरी के साथ वो अजान नहीं दे रहा था, वो गाना गा रहा था पर वो अजान था पूरा, एक हिंदू से करवाया था। उसके बाद फिर उन्होंने मजार परस्ती को बहुत हवा दिया है यहाँ पर, उन्होंने जुलूस और ईद मिलादुन नबी जो मिलाद पढ़ी जाती है उसको बहुत हवा दे करके रखी है। हमारे इस्लाम के हिसाब से, हमारे अल कुरान के हिसाब से पक्के पुख्ते कब्रिस्तान नहीं होने चाहिए, मिट्टी के कब्रिस्तान होने चाहिए, उन्होंने उसको हवा दे करके रखा है, और कई फंड वो कब्रिस्तान को के इंटीरियर डिजाइन के लिए वो देती है फरहाद हकीम के हाथ में। उसके बाद फिर वो पीर मुर्शिद जो होता है जो हमारे अल कुरान के हिसाब से बिल्कुल सख्त मना है, गुनाह है, उसको उन्होंने हवा दे करके रखा है। एक ताहा सिद्दीकी है फुरफुरा शरीफ में, उसके काफी मुरीद है और महिलाएं जो हैं वो मतलब भारी मात्रा में उसकी मुरीद है, और वो महिलाओं के सामने बिना चड्डी के वाइट लुंगी में चला आता है, उस पैर छुलवाता है। अब आप सोचिए कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत से अपना पैर नहीं छुलवाया है, मैंने तो नहीं पढ़ा अल कुरान में कि हमारे कोई भी प्रॉफिट ने अपना पैर छुलवाया है, आशीर्वाद दिया है किसी महिलाओं को, मैंने तो नहीं पढ़ा अल कुरान में, क्योंकि मैंने अल कुरान को कई भाषाओं में पामाइने पढ़ा है, और मुझे कभी भी अल कुरान को किसी तबसरे के वक्त में वर्सेज या आयत के लिए मुझे अल कुरान खोल करके नहीं बोलना पड़ता, मुझे याद रहता है। तो ये तो ताहा सिद्दीकी है, ये अपना पैर क्यों छुलवाता है, ये इतनी अभद्र तरीके से बिना चड्डी के वाइट लुंगी में ये महिलाओं के सामने क्यों आता है, ये मजार परस्ती को हवा देना। तो गाहे बगाहे श्रीमती ममता बनर्जी ने हजारों बार इस्लाम का मजाक उड़ाया है, हजारों बार, और इस एक सेंटेंस में उन्होंने रामायण, महाभारत, बाइबल और नाउजुबिल्ला अल कुरान सबको खत्म कर डाला, सबको खत्म कर डाला। मतलब उन्होंने वेस्ट बंगाल में इतनी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया है कि वो डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अल कुरान नाउजुबिल्ला खत्म हो जाएगा। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है, बदकिस्मती इस बात की है कि कोई मुसलमान ममता बनर्जी के आंखों में आंखें डाल करके उससे सवाल नहीं कर रहा है। ये सबसे अफसोसनाक बात है। अब देखिए, अब ऐसे मुसलमान पश्चिम बंगाल के ऐसे मुसलमानों को और भारत के ऐसे मुसलमानों को क्या मैं चिटिंग पास मुसलमान ना बोलूं? आज देखिए,
इमाम बुखारी जो अपने आप को शाही इमाम कहलवाता है, जो अपना हाथ चुमवाता है लोगों से जामा मस्जिद में, जो अपने आप को नबी कहलवाता है, जिसकी जिसकी इकलौते बेटे की बीवी जो है वो हिंदू है, वो इमाम बुखारी जो कभी सोनिया एंटोनियो के लिए प्रचार किया करता था, आज वो इमाम बुखारी खामोश है, चुप है। वो इमाम बुखारी जामा मस्जिद वाला जिसके कहने पर हम ईद मनाते हैं, जिसके कहने पर हम रमजान का रोजा रखते हैं, जिसके कहने पर हम शबे मराज मनाते हैं, वो इमाम बुखारी आज खामोश है। वो ममता बनर्जी से सवाल नहीं कर रहा है। तौकीर जो जेल भरो आंदोलन कर देता है, जो गाहे बगाहे कितनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर देता है, सारे धर्मों को मलाइंग और डिफेम करता है, ये कहलवाता है कि वो बहुत बड़ा सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, पर वो खामोश है। असदुद्दीन अवैसी जो दिन रात टोपी पहना रहता है और दूसरों को टोपी पहनाता रहता है, वो भी खामोश है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी ने ममता बनर्जी की पोल खोली और कैसे ममता दीदी को ढंग से एक्सपोज किया। जैसे ममता दीदी की अगर हम बात करें तो बोलने से पहले मुझे लगता है वो कम सोचती है और हमेशा की तरह ममता बनर्जी दल बदलू रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज से कुछ साल पहले ममता बनर्जी CAA और NRC को सपोर्ट किया करती थी और आज उसी के खिलाफ बोला करती है। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।